ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजपथ पर रविवार की सुबह वॉक फॉर लाइफ का आयोजन किया गया। कैंसर को लेकर जागरूकता लाने के मकसद से हुई इस वॉक में दिल्ली वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रविवार के दिन गुलाबी सर्दी में वॉक फॉर लाइफ में भाग ले रहे ये लोग पहुंचे हैं एक खास मकसद से। मकसद लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना। कैन सपोर्ट द्वारा आयोजित वॉक फॉर लाइफ में दिल्ली वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वॉक को हरी झंडी दिखाने गुरुशरण कौर, शीला दीक्षित और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई जाने माने चेहरे पहुंचे। कैंसर एक रोग के माफिक लोगों में बसा देता है, उस डर को एक आधुनिक जरिए से इन लोगों ने मिटाने का प्रयास किया है, उम्मीद जगाने का प्रयास किया है। और वो डर मिटाना, उम्मीद जगाना काउंसलिंग के जरिए, आधुनिक जरियों के जरिए, मुझे लगता है कि ये वक्त की मांग है। में कई कंपनी, स्कूल्स, कॉलेजेस इसमें भाग ले रहे हैं। मकसद सबका एक है और एनर्जी लेवल वाकई लोगों का देखते ही बन रहा है। हर कोई बाहर निकलकर इस खास सपोर्ट को फेवर कर रहा है और ऐसे में दिल्ली आज तक भी इस कॉज के साथ है। इंडिया टुडे और दिल्ली आज तक ने भी इस वॉक को पूरा सहयोग दिया। यूं तो कैंसर से लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाने की कोशिश जरूर कैन सपोर्ट जैसी संस्थाएं करती है और इसीलिए जागरूकता कैंप्स का आयोजन किया जाता है, रैली का आयोजन किया जाता है और यही आयोजन हो रहा है राजपथ पर। बिल्कुल जी, हर साल ये वॉक जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग बढ़ते ही रहते हैं। ये 3,000 से शुरू हुआ था, अब 10,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखेंगे कितने स्कूल और कॉलेज और कॉर्पोरेट इसमें आते हैं। टू शो दैट वी कैन ऑल्सो सर्वाइव and we have to support these cancer people who has come out of this kind of disease. Yeah, definitely. You know, this is great support for cancer and ProMed as a group is dedicated to healthcare, so we would like to support the cancer. कैंसर का इलाज मुमकिन है, बस जरूरत है थोड़ी जागरूकता की। उम्मीद है कि जिस मकसद से ये वॉक आयोजित की गई वो पूरा होगा और लोग कैंसर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। रोशनी ठोकने के साथ उपासना बख्शी, दिल्ली आज तक। वक्त हमारे